वरना तो मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ, आपके चेहरे पर जितने भी निशान होते हैं, दाग धब्बे के मार्क्स होते हैं या तो पिंपल या तो एक्ने के जो दाग धब्बे होते हैं उसको कैसे लाइट कर सकते हैं, उसको कैसे हल्का कर सकते हैं। जो हमारे चेहरे पर निशान होते हैं वो इंस्टेंटली तो गायब नहीं हो जाते हैं, हमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे जो दाग धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे करके लाइट होते जाते हैं और आप सबका जो फेस होगा वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आजकल मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आती है कि मैम हम चेहरे के जो सारे दाग धब्बे हैं उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं और चेहरे को कैसे साफ दिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जिनको चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे के निशान है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले आप सबको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल वंदा गोस्वामी 21 पे फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर वो है फेस को अच्छे से क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से क्लीन करना। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीक योगर्ट क्लींजिंग मिल्क, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है तो जो योगर्ट क्लींजिंग मिल्क है वो हमारे फेस को अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा, फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा। आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस कॉलेज जाते होंगे और डेली लाइफ में हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं और क्रीम लगाते हैं और उसकी वजह से हमारे चेहरे पर काफी गंदगी, धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन चिपकता है। तो उसको रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि फेस वॉश से फेस को एक बार क्लीन कर लिया तो हमारा जो फेस है वो क्लीन हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। हमें सबसे पहले फेस को क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से क्लीन करना होता है और जो सारी गंदगी होती है वो अच्छे से निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो कॉटन पैड है उसमें कितनी गंदगी कलेक्ट हो गई है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ, पर आप देख सकते हो मेरे कॉटन बॉल में सारी जो गंदगी है वो क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो क्लींजिंग मिल्क हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक फेस पैक बनाएंगे जो हमारे दाग धब्बों को, हमारे एक्ने के मार्क्स को, हमारे पिंपल्स के मार्क्स को, या तो आपको चेहरे पर कोई भी तरह की निशान है उसको दूर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना नीम लीव्स का जो पाउडर है वो ले रही हूँ। नीम लीव का जो पाउडर है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमारे चेहरे पर अगर एक्ने के या तो पिंपल्स के कोई भी बैक्टीरिया होते हैं तो उसको रिमूव करने में मदद करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत सारे नीम लीव्स के फायदे हैं, एक नहीं अनेक फायदे हैं। अगर आपके पास इस तरीके का नीम लीव पाउडर नहीं है तो आप घर पर नीम के जो पत्ते होते हैं उसको धूप में सुखाकर फिर पाउडर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का नीम लीव्स पाउडर, इसमें पैराबिन भी नहीं है, सल्फेट भी बिल्कुल नहीं है और ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, तो ये 100% यूजफुल है। परचेज करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये 100% प्योर है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना नीम लीव्स का पाउडर ले लिया है, अब मैं यहाँ पर मिक्स करूंगी करीब 1/2 टेबलस्पून जितना एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, वाव कंपनी का रेडीमेड एलोवेरा जेल। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, साथ ही साथ इसमें पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल भी नहीं है और इसमें कोई भी तरीके की जो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है वो भी एड नहीं की गई। और इसकी जो खास बात है सूटेबल फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स और ये 99% प्योर एलोवेरा जेल है, तो इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं करीब 1/2 टेबलस्पून जितना एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल भी हमारे दाग धब्बों को, एक्ने के मार्क्स को, ब्लेमिशेस को, रिंकल्स को दूर करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इसके बाद मैं यहाँ पर करीब 1 टेबलस्पून जितना रोज वाटर मिलाऊंगी और एक अच्छी सी पेस्ट बना लूंगी। रोज वाटर हमारे चेहरे का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, हमारे खोए हुए निखार को वापस लाता है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पर हमारा जो फेस पैक है वो तैयार हो गया है। आपको ये फेस पैक की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली भी नहीं रखनी है या तो बहुत थिक रखनी है, और आपको इसे पूरे चेहरे पर लगाने के बाद करीब 10 या 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए मैं फटाफट मेरे चेहरे पर इसे लगा लेती हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फेस पैक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या तो आप टीनेजर हो, ऑफ कोर्स टीनेजर होते हैं तब हमें पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार ये ग्रीन बेरी का ग्रीन क्ले मड फेस वॉश विथ गुडनेस ऑफ यांग यांग ऑयल डेफिनेटली एक बार यूज कीजिए। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए काफी सूटेबल है। इसमें विटामिन ई भी है और इसमें एलोवेरा भी है और साथ ही साथ इसमें मिंट एक्सट्रैक्ट भी यूज किया गया है। यहाँ पर मैंने फेस पैक को अच्छे से रिमूव कर लिया है। अगर आपके चेहरे पर आपको दाग धब्बे बहुत ज्यादा है तो एक ही बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आई एम 100% श्योर कि अगर आप इसको वीक में 3 बार यूज करेंगे तो आपके जो दाग धब्बे हैं या तो एक्ने के निशान है, पिंपल्स है, या तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल हो चुका है, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा सनटेन हो, तो धीरे धीरे वो लाइट होता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी तो स्किन ऑलरेडी क्लियर है तो हमें रिजल्ट कैसे दिखाई देगा। रश्मि गाइस, अगर आप इन सबको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो भी मेरे जैसे क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो गाइस। आप चेहरे को कैसे क्लियर बना सकते हो, ग्लोइंग बना सकते हो और चेहरे के जो सारे दाग धब्बे हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।